साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। पंडाल तो भरा ही था, पूरा आश्रम बड़दा से लेके स्वागत द्वार से लेके सभी जगह साधकों की भीड़ थी। गुरुजी के कार्य के लिए कोई उनको बारिश भी नहीं रोक सकता, कोई कुप्रचार भी नहीं रोक सकता, कोई आंधी तूफान भी नहीं रोक सकता। बापू जेल में है पर साधकों की श्रद्धा अभी भी है। और गुरुदेव का हमने बहुत कुछ अनुभव पाया है, बहुत कृपा बरसी है और हम हमेशा उन्हीं को भगवान मानते हैं। हमने जो अनुभव गुरुजी से प्राप्त किए हैं वो हमें बनाए रखते हैं, श्रद्धा बनाए रखते हैं हमारी। एक बेटी के आरोपों में क्या दम है, भले लगाया उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ता तो आज लोग टूट जाते। और किसी एक के आरोप लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने जो अनुभव किया है हम उसके आधार पर बापूजी को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। हर एक के घर में कुछ न कुछ अनुभव बापू के से जुड़े हुए रहते हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या यहाँ मौजूद होती है। सत्य के हमेशा विजय होती है, अभी भी होगी, थोड़ा सा वक्त और लगेगा और बापूजी हमारे जल्दी बाहर आएंगे। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि बापूजी को जल्दी से जल्दी सम्मान रिहा किया जाए। प्रेरणा से साधक सम्मेलन का आयोजन विशेष रूप से इसलिए किया है कि साधक जो है संगठित होकर अपने गुरुदेव के देवी कार्य को जन जन तक पहुंचाएं। आज सिर्फ बापूजी के साधकों को बापूजी की जरूरत है ऐसी बात नहीं है, मानव मात्र को बापूजी की जरूरत है। बापूजी समाज उत्थान के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर चुके हैं और आज यदि मानवता का पतन हो रहा है तो बापू की गैरहाजिरी कारण। बापूजी का यदि सत्संग होता था तो लोगों की उन्नति होती थी और समाज का उत्थान होता था। आज सबसे बड़ा कोई नुकसान हो रहा है तो समाज को हो रहा है, इसलिए बापूजी की मांग हर मनुष्य, हर मानव जाति का हर व्यक्ति करे। इसलिए साधक संगठित हों और अपने गुरुदेव के देवी कार्य को जन जन तक ऐसे पहुँचाएँ, अपने सेवा कार्यों को इतना संगठित होकर पहुँचाएँ, एकजुट होकर मांग करें कि हमें बापूजी चाहिए चाहिए और चाहिए। देखा पंडाल भर गया था, अंदर बैठने की जगह तक नहीं थी आज जी। साधकों का अनुभव इतना प्रेम पूर्वक और ऐसा संगठन बल का हम लोगों को देखने को मिला कि पंडाल तो भरा ही था, पूरा आश्रम बड़दा से लेके स्वागत द्वार से लेके सभी जगह साधकों की भीड़ थी। इसमें तो सिर्फ 25% लोग ही आए थे जिनको स्पेशल आमंत्रित किया गया था। गुरुजी के 10 साल के डिस्टेंस के बाद भी गुरुजी के कोई नज़दीक से उनको वो सानिध्य नहीं मिला, फिर भी इसके बावजूद भी इतने भारी संख्या में उपस्थित थे, सभी के हृदय में गुरुजी को रखे उन्होंने, तो पूरा अपना श्रद्धा भक्ति से इधर आ करके इतना बड़े कार्यक्रम में वो लोग सम्मिलित हुए, सभी लोग आनंदित हो करके गए। क्योंकि हमने देखा कल रात से ही बारिश गिर रही है, आज भी बारिश थी, सुबह भी, दोपहर तक कंटिन्यू बारिश थी, उसके बाद देखा पूरा पंडाल भर गया। गुरुजी के कार्य के लिए कोई उनको बारिश भी नहीं रोक सकता, कोई कुप्रचार भी नहीं रोक सकता, कोई आंधी तूफान भी नहीं रोक सकता। इतने गुरुजी के उनका खुद का अनुभव, ऐसा नहीं कि कोई उनको जबरदस्ती लाए ना, हर एक का साधक ये बोलते हैं कि हमारा हर एक का, एक एक व्यक्ति का इतना बड़ा बड़ा किताब बन जाएगा उनका खुद के अनुभव के कारण। वो गुरुजी के लिए कोई भी रात को भी नहीं देखते, दिन को भी नहीं देखते, वो आ करके यहाँ पर खड़े रहने के लिए, दर्शन सत्संग के लिए वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। रात दिन टीवी चैनलों वालों ने दिखाया बापू गलत है, बापू के आश्रम में गलत होता है,
नहीं तो करारा तमाचा लग गया आज मुँह पे के 10 साल के बाद भी इतनी भारी संख्या में बापू के भक्तों की भीड़। ये तो बहुत बड़ी चमत्कार है, इससे बढ़कर और चमत्कार क्या चाहिए। इतने दिन रात सालों से बापू जी के कृप प्रचार हुआ है बहुत सारा टीवियों में, टीवी चैनलों में और न्यूज़पेपरों में, इसके बावजूद भी इतने सारे संख्या में किसी को भी उसका असर नहीं हुआ है। तो इसी से समझ जाना चाहिए कि बापू जी निर्दोष हैं और उनको जल्दी से जल्दी रिहा कर देना चाहिए। बापू जेल में हैं पर साधकों की श्रद्धा अभी भी है, इसलिए इतनी भारी संख्या में यहाँ वापी आश्रम में सब साधक आए थे। और अब तो जन जन को पता चल गया है कि बापू एकदम बेकसूर हैं, तो आएंगे। थोड़ी है राजनीतिक थोड़ी तकलीफें हैं, वो थोड़े दिन हैं वो दूर हो जाएंगे और फिर से जैसे हम पहले करते थे कार्यक्रम और जोर शोर से पहले जैसे करेंगे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।